ऑल राइट, सो आपने काफ़ी बार कुछ खबरें पढ़ी हैं कुछ इस टाइप के कि दादा ने पोती का रेप किया, जीजे ने साली का रेप किया, बाप ने बेटी का रेप किया, देवर ने भाभी का रेप किया। तो कभी आपने कुछ ऐसी खबरें पढ़ी हैं कि पति ने अपनी पत्नी का रेप किया? यस और नो? बाय द वे आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आफ्टर इंट्रो, बट बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो यू हैव टू डू माई टू वर्क। सो द फर्स्ट वर्क इज इंस्टाग्राम, इफ यू हैव नॉट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम स्टार्ट फॉलोइंग मी, एंड द सेकेंड थिंग इज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द अपडेट्स। सो लेट स्टार्ट इट, इंट्रो। And just felt right, phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight, turn a short day into a long night. See you soon if you got the heart, meet you outside when you... ओके, तो पहले तो मैं आपको इस चीज़ का कंसेप्ट बता दूँ, इस चीज़ को बोलते क्या है। आप हर जगह ये तो बोलोगे नहीं कि पत्नी का रेप, पति द्वारा पत्नी का रेप, पति ने रेप किया। तो इस चीज़ को एक टर्म में बोलते हैं मैरिटल रेप। नॉट इट मैरिटल रेप। तो ये क्या होता है, ये इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। आई मीन थ्योरी में तो है लेकिन प्रैक्टिस में इतना है नहीं, तो इसको इतनी मान्यता है नहीं, ये बिलोंग नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये एग्जिस्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर। तो ऐसे में क्या होता है, अगर वाइफ का रेप हो तो इनके लिए कुछ सिचुएशंस हैं। वो सिचुएशंस क्या हैं? तो फर्स्ट थिंग ये है कि जो वाइफ है वो 18 साल से नीचे हो। अगर जो वाइफ की उम्र है 18 साल से नीचे है और उसका हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो वो रेप की डेफिनेशन में कंसीडर किया जाएगा। गॉट इट? सो द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर जो वाइफ है उसने जुडिशियल सेपरेशन ले लिया अपने हस्बैंड से बाय द हेल्प ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने उसे ऑर्डर कर दिया कि आप दोनों अलग अलग रहेंगे, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, इस सिचुएशन में अगर पति पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप की डेफिनेशन में कंसीडर किया जाएगा और हस्बैंड को अकॉर्डिंग टू 376 के तहत पनिशमेंट होगी। गॉट इट? सो रेप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज। Meanwhile, you don't forget to stay stylish and stay aware. I will see you in the next video. Bye.